शिवानी जो है काफ़ी ज़्यादा हर्ट चल रही है, और शिवानी के साथ जिस तरीके की बदतमीजी जो है चंद्रिका ने की है उसके चलते हुए तो काफ़ी सारी बातें बोल रही है, जिसके बारे में हर एक जानकारी मैं आप तक पहुंचा रही हूं। पर सुबह जो है नैजी के साथ भी एक बात हुई, जहां पर नैजी को मजाक करते करते शिवानी ने टच कर दिया और नैजी ने उसको ये बात बोला कि मुझे टच मत कर, और काफ़ी ज़्यादा भड़का। ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर गई है अब शिवानी को। शिवानी का कहना ये है, विशाल और लवकेश के पास बैठी हैं और उसका कहना ये है कि आखिरकार मैंने ऐसा क्या किया था जो कि वो इतना ज़्यादा भड़का। तो विशाल भी बोलता है कि हाँ ऐसा भी क्या किया था कि जो इतना ज़्यादा भड़का, और उसको जो अरमान है वो इतनी सब चीज़ें बोलता है, उसको जाके बोलना चाहिए। तो शिवानी का कहना ये है कि भाई वो जो है वो डरता है अरमान से, इसीलिए उसको जवाब जो है वो दे नहीं पाता। और विशाल का कहना ये है, वहाँ पर लवकेश भी है, कि अगर उसको लड़कियों के टच से प्रॉब्लम है तो वो ये प्रॉब्लम जो है सबके साथ होनी चाहिए। सना मकबूल उसको पकड़ती है, हाथ पकड़ती है, उसको टच करती है, उसको तो कभी ये सब चीज़ें बोलता नहीं है। तो गाइस इनकी कन्वर्सेशन सुनने के बाद, ये सब चीज़ें सुनने के बाद तो मेरे दिमाग में ना एक बात आई, वो बात ये थी कि मैंने नोटिस किया है कि जो नैजी है, नैजी जो है लगातार शिवानी को डे वन से टारगेट करता हुआ आ रहा है। शिवानी की बातें, शिवानी की हरकतें, शिवानी की बॉडी लैंग्वेज उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा मानो मुझे ऐसा लगता है कि नैजी जो है उसको एक अछूत सोचता है कि ये गांव वाली अच्छी, गांव वालों के साथ तो हम लोग बैठते उठते भी नहीं है। यानी कि वो उसको थोड़ा सा ना लो मानता है, कि उससे ना वो काफ़ी ज़्यादा नीचे दर्जे की है, तो इसीलिए उसके साथ बैठना पसंद नहीं करता। एक ऐसा नेचर जो है नैजी का सामने आया है कि वो उसके साथ बैठना पसंद नहीं करता। अगर बाहरी दुनिया में होता तो मे बी शायद शिवानी कुमारी को वो बात करना भी पसंद नहीं करता, पर अभी वो एक ऐसा यहाँ पर जो कंटेस्टेंट बन के आई हुई है उसके चलते उसको बात करनी पड़ती है, बाजू में बैठना पड़ता है। पर एक छोटी सोच जो है वो मेरे सामने आई कि भाई नैजी जो है इसीलिए इतना ज़्यादा चिड़ा रहता है, दूसरी लड़कियाँ उसको टच करती है, चंद्रिका भी अगर उसको बोल दे तो वो किसी को भी नहीं बोलता, पर यहाँ पर शिवानी को ही ऐसा क्यों बोला। तो शिवानी को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। ऑफकोर्स शिवानी को भी फील हुआ होगा कि यार मुझे ऐसा गिरा के बात कर रहा है। क्या है आपका कहना, कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर।